हेलो एवरीवन वेलकम टू सेशन आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रेट स्टडी है एक इंसान के रिएक्शन की जब वो कोई मटेरियल चीज खो देता है ये बताती है वो फर्स्ट इंसिडेंट जब आप कोई मटेरियल चीज खो देते हो तो आपको कितना बड़ा झटका लगता है। पर धीरे धीरे आप रियलाइज कर लेते हो कि जो गेन्स हैं, जो लॉसेस हैं, वो जिंदगी का हिस्सा है पार्ट एंड पार्सल है जिंदगी के तो किस तरीके से जो लॉस है वो एक आम बात बन जाता है। तो चलिए पोम को अंडरस्टैंड करते हैं डिटेल में फर्स्ट एंजा से स्टार्ट करते हैं इसमें पोइट बताते हैं कि ये पोम है एक छोटे से लड़के की उस लड़के की जिसने पहली बार अपनी जिंदगी में बहुत यंग एज में ये सीखा ये एक्सपीरियंस किया कि दर्द क्या होता है दुख क्या होता है जब आप कोई अपनी प्यारी चीज खो देते हो और इस केस में उसकी वो प्यारी चीज है उसकी बॉल ये जो बॉल है ये सिम्बॉलिक है उसकी स्वीट मेमोरीज के साथ जो उसकी चाइल्डहुड में थी तो जो लड़के की बॉल है वो उससे दूर चली जाती है और वो वहां पे खड़ा हुआ देखता है कि वो कैसे बाउंस करती है स्ट्रीट पे और फिर पानी में चली जाती है जो बॉल का लॉस है वो हमें देखने में बहुत छोटी बात लग रही होगी लेकिन लड़के के लिए तो वो बहुत बड़ी बात है ना उसकी बहुत वैल्यूएबल चीज खो गई है उसकी बॉल खो गई है तो इस टाइम पे पोएट कहते हैं कि मैंने अपने आप को रोक लिया उस लड़के के पास जाने के लिए उसको कुछ भी कहने के लिए बिकॉज मुझे ये लगा कि उस लड़के को उस टाइम पे वही बॉल चाहिए थी जो उसकी खो गई है हालांकि वो जो बॉल है वो उसके साथ बहुत लंबे टाइम से है उसकी मेमोरीज़ हैं उस बॉल के साथ उसने उस बॉल के साथ खेला है जैसे मेरे चाइल्डहुड डेज थे मेरी मेमोरीज हैं वो उसकी वो बॉल है तो चलिए अब अंडरस्टैंड करते हैं सेकंड स्टेंसा इसमें पोइट बताते हैं कि वो जो छोटा बच्चा है वो खड़े होके देख रहा है कि किस तरीके से उसके हाथ से छूट के बॉल बाउंस करती हुई स्ट्रीट से हार्बर में जा रही है और पानी में गिर गई है जो बॉल का लॉस है वो देख के वो बिल्कुल दुख के समुन्दर में डूब गया है। वो स्टिफ खड़ा हुआ है वो हिल नहीं पा रहा उसका रिएक्शन नहीं कैच हो पा रहा और वो ट्रेम्बल कर रहा है वो बहुत ज्यादा अपसेट है क्योंकि वो पानी में देख रहा है बट वो बॉल तो नहीं वापस लेकर आ सकता ना वही बॉल जिससे उसको बहुत प्यार था और वो बॉल का जो दुख है उसे बहुत ज्यादा हुआ क्यों? क्योंकि वो बॉल उसके साथ बहुत लंबे टाइम से थी उसकी बहुत सारी मेमरीज थी तो अब जब वो बॉल पानी में गिर गई है तो पोइट को ये लगता है कि जैसे वो बॉल गिर गई है मेरी चाइल्डहुड मेमोरीज भी वैसे ही जा रही हैं, झलक रही हैं मेरे सामने फ्लैश कर रही हैं। तो ये देखकर वो रिलाइज करते हैं कि जो मोमेंट्स है जो हम जी रहे हैं वो वापस कभी नहीं आएंगे जैसे वो बॉल गई है वैसे ही मेरी मेमोरीज गई और फिर पोइट ये बताते हैं कि वो इस टाइम पे दखल अंदाजी नहीं करना चाहते क्योंकि वो छोटे लड़के को एक्सपीरियंस करके लर्न करवाना चाहते हैं कि किस तरीके से दुख आएंगे जिंदगी में मतलब वो उसको पैसे भी नहीं देते कि नई बॉल ले लो जाकर क्योंकि वो किसी काम की memories नहीं होगी उसकी मेमरीज नई बॉल के साथ नहीं है उस बच्चे की मेमरीज वो जो बॉल चली गई है उसके साथ है चलिए देखते हैं थर्ड स्टैंड में क्या है जो लड़का है वो बहुत अपसेट है वो पानी में देखता है देखता रहता है बट कुछ कर नहीं सकता बॉल तो मिलेगी नहीं तो इस टाइम पे उसको सबसे पहले क्लिक होता है सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पोइट ये सजेस्ट करते हैं कि जो बॉल उसने गवाई है लूज की है इससे वो लड़का कुछ सीख रहा है वो ये सीख रहा है कि कैसा महसूस होता है जब आप दुनिया की जो पोजेसिव चीजें हैं उसको खो देते हैं जब कोई चीज आपको बहुत प्यारी है आप वो खो देते हैं पोइट ये बताते हैं कि आप कुछ गवाओगे कुछ पाओगे भी अपनी जिंदगी के अंदर जिंदगी के सफर में बट आप जो अपनी एक चीज गवा चुके हो वो आप वापस नहीं ला सकते उसके बदले में और मिल जाएगी बट वो नहीं मिलेगी तो पोम में जो लड़के की बॉल है वो परसोनीफाई करती है बताती है पोएट के यंग डेज उनकी इनोसेंस के बारे में आज की दुनिया में लोग वो बोलते हैं जैसे हमारी बॉल गायब हुई आपकी इनोसेंस भी गायब कर देंगे और आपको फोर्स करेंगे कि आप इसी तरीके से बड़े हो और एक बार अगर आप अपनी इनोसेंस गवा जैसे वो वो बॉल चली गई है फिर वो कभी नहीं आएगी एक बार गई तो वो बॉल की तरह वापस आने का कोई चांस नहीं और पॉइंट यही बताते हैं कि मैं उस लड़के को समझाना चाहता हूं कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है क्योंकि ये जो लॉस है बॉल का ये मायने नहीं रखता पैसा एक दुनियावी चीज है आप नई चीजें खरीद लोगे बट मेमरीज नहीं बना पाओगे आप वो जो चीज़ आपने गवाही है उसको नहीं रिप्लेस कर पाओगे जिस चीज़ से हमें लगाव है हमें प्यार है वो मैटर करती है बट अगर वो खो दी तो वो वापस नहीं आएंगे फोर्थ स्टैंडा इसमें पोइट सुजेस्ट करते हैं कि जो पॉल खो दी है उस बच्चे ने उससे वो बच्चा ये सीख रहा है कि किस तरीके से दुनिया में खड़े होना है जहां पर आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी पसंद आएंगी लेकिन आपको ये सीखना है कि कैसा महसूस होता है जब आप कुछ खो दे तो पोइट ये बताते हैं कि किस तरीके से आपको अपने आप खड़े होना पड़ेगा अगर आप दुनिया में अपनी कोई प्यारी चीज खो दे आपको अपने लॉसेस को पीछे रखना पड़ेगा और आपको असल मतलब समझना पड़ेगा दुनिया में रहने के लिए क्या नेचर है क्या मीनिंग है लॉस का इसीलिए पोएट ने उस लड़के को स्पेस दी ताकि वो रियलाइज कर सके कि ये एक्सपीरियंस कैसा होता है तो ये थी आज की पोम आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी अगर आपको अच्छी लगी प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब वीडियो थैंक यू Bye-bye.